गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका इस नए से ब्लॉग में। तो अभी मैं जा रहा हूँ बैंकॉक में जो फ्लोटिंग मार्केट है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी मैं आया हूँ मेट्रो से दिखा रहा है कि 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो वहीं मैं अभी वॉक करके जा रहा हूँ। 15 मिनट का वॉक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग पहुँच जाएँगे फ्लोटिंग मार्केट। और अगर मैं उस फ्लोटिंग मार्केट का नाम बताऊं तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है खोंग बैंग लॉन्ग फ्लोटिंग मार्केट। यार प्रोनाउंस करने में ना बड़ा दिक्कत होता है। तो अभी रास्ते में ही हूँ, दो तीन मिनट वॉक कर चुका हूँ और दो तीन मिनट का वॉक अभी बचा हुआ है। दो तीन मिनट वॉक कर चुका हूँ, अभी 10 मिनट का वॉक और भी बचा हुआ है और हम लोग पहुँच जाएंगे फ्लोटिंग मार्केट में, जहाँ से मेरा हॉस्टल था वहाँ से यहाँ की दूरी लगभग 16 किलोमीटर थी। तो मैं मेट्रो से आया, मेट्रो से सबसे सस्ता पड़ा मुझे, क्योंकि मेट्रो से एक जगह लगा 33 बात, एक जगह लगा 43 बात, लगभग 80 बात में मैं इस फ्लोटिंग मार्केट तक पहुँच गया। तो ये भी ऑप्शन है और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे आप यहाँ पे कार से आ सकते हो, बाइक से आ सकते हो, पर्सनल अगर आपका कन्वीनियंट है आप उससे आ सकते हो। तभी सीधे पहुँचते हैं फ्लोटिंग मार्केट, वहीं पे आपसे मिलते हैं फिर। तो भाई यहाँ पे तो पहुँच गया हूँ, मैं कहूँगा या यहाँ तो पहुँच गया हूँ मैं, फ्लोटिंग मार्केट में पहुँच गया हूँ। यहाँ पे लोग उतने हैं नहीं अभी, पता नहीं संडे, यहाँ पे जो मार्केट जो है वो सैटरडे संडे ही ओपन होता है, पर अभी जिस एरिया में हूँ यहाँ पे लोग हैं ही नहीं, कुछ ही लोग मिले हैं। तो भाई और जो प्राइस है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है मुझे, फिर भी अपर आए हैं तो यार करना तो बनता ही है। तो फिर मैंने बुक किया, यहाँ से 1.5 घंटे की राइड है 750 बाट में, लाइक यहाँ से एक फ्लोटिंग मार्केट है वहाँ पे जाके हम रुकेगी, वहाँ पे हम लोग को 30 मिनट्स रुकेंगी, उसके बाद फिर 30 मिनट्स वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद भाई साहब जो हैं वो भाई साहब बोल रहे हैं कि आपको जहाँ पर उतरना होगा आप वहाँ पर उतर सकते हैं, MTS BTS के सामने आप रोड पे उतर सकते हैं, आपको जहाँ पे कन्वीनियंट होगा आप वहाँ पे उतर सकते हैं। तो थोड़ा सा है, थोड़ा सा इन कंपेयर थोड़ा सा महंगा, अकेला लोग भी नहीं है ना, मेन बात यही है कि लोग होते तो दिक्कत नहीं होती, लोग नहीं है तो इस कारण से दिक्कत हो रही है। तो अब क्या कर सकते हैं, आए हैं तो करना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे बुक कर लिया है मैंने, 750 की 1.5 घंटे की राइड है, अब देखते हैं अकेले हैं कि और कोई साथ में है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और एक बोट भी आ रही है इधर से, देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है, सारे मस्ती कर रहे हैं वो बोट में। और नीचे पता नहीं ये बड़ा बड़ा मछली है भाई, दो दो तीन तीन चार चार किलो की मछली है इधर, बड़ी बड़ी मछलियाँ मेरे यहाँ पानी के नीचे है। तो वो बोल रहा है कि 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, तो वही वेट कर रहा हूँ, 5 मिनट के बाद जो राइड होगी वो स्टार्ट होगी। इधर खाने थाई फूड, अगर आपको थाई फूड खाना है तो आप खा सकते हो यहाँ पे। तो बोला भाई साहब ने कि 5 मिनट आप वेट करो, 5 मिनट के बाद राइड स्टार्ट होगी। तो ठीक है भाई, 5 मिनट के बाद ही सही, आए हैं तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है महंगा, पर क्या कर सकते हैं, अब आए हैं तो करना पड़ेगा। आप मुझे ऐसा भी तो नहीं है ना कि यहाँ से मैं कहीं और जाऊँ फिर वहाँ से बुक करूँ, भाई इतना तो नहीं है। पर ठीक है यार, जो है सो है, अब आए हैं तो 200-400 रुपये इधर उधर हो गया, इधर तो ऊपर हो गया, ठीक है यार कोई नहीं, समझ ही सकते हैं, फिर जाना आना ये इन सब में सब कुछ टाइम लगना ही है। वेट करते हैं सबसे पहले अभी 5-10 मिनट, जब स्टार्ट हो जाता है फिर चलेंगे हम लोग फ्लोटिंग मार्केट बोट राइड का मजा लेने।
बुला के तो ले आए, लगता है कि हमारा बोट आ ही गया है। अब बारिश आ रही है यार, बारिश में बोट का पता नहीं मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। तो giving you just okay okay मैं पैसे दे दिए 750 बात oh rain भाई पान खुला बोट है और बारिश भी मुझे लगा ये खुला बोट तो नहीं है ना, ये खुला बोट है बट वो नहीं है, बोल रहा है कि ऊपर से वो लगेगा ना। तो भाई बारिश थोड़ी सी कम हुई है तभी बोट पे चढ़ने जा रहे हैं। अब बोट का राइड स्टार्ट करते हैं, 12:30 हो रहा है थाईलैंड के टाइम में, तो देखते हैं। शायद 1.5 घंटे का बोल रहा है तो 2 बजे तक हमें हमारी ये ट्रिप ख़त्म होगी। 2 बजे तक ये हमारी बोट लग चुकी है। मेरे साथ ये 2 हैं, पता नहीं कहाँ के हैं, तो चढ़ते हैं इस बोट पे। साफ़ सफाई चल रही है यार, भींगा हुआ है ना, तो थोड़ा साफ़ सफाई कर रहे हैं। बादल है पूरा ऊपर में, लाइट पता नहीं कैसी आ रही है बट पूरा बादल है। साफ सफाई होने के बाद फिर चलो भाई बैठने का टाइम आ गया है। थैंक यू मैडम। ओके तो भाई बैठ गए हैं यहाँ पे, फ्लाइट आ रही है पता नहीं। स्टॉप द मार्केट एंड द बोट वेटिंग फॉर यू 30 मिनट। ओके ओके एंड देन सी द बिग बुद्धा बिहाइंड, गेट ऑफ मेट्रो मेट्रो लोग बम भाई ना सब लंबा पटना हां ओके। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बारिश तो हो ही रहा था, स्पीड हो गया भाई बारिश तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा भींग भी गया हूँ। इधर पीछे पीछे थोड़ा भींगा हुआ है, मेरा पैंट तो भींग जाएगा पूरा, मुझे जो मुझे लग रहा है कि मेरा पैंट तो पूरी तरह से भींग जाएगा। ये देखो भाई साइड से कोल जा रही है। भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है ना ये बोट राइड का अलग ही है। मैं जब रसिया में बोट राइड करा था तो उस टाइम पे भी भाई साहब वहाँ पे भी बारिश हो गई, यहाँ पे भी बारिश हो रही है। तो क्या बोल रहा है कि बोट राइड भाई तुम मत किया कर, बट ये यार नज़ारा देखने को कहाँ मिलेगा अगर आप ये बोट राइड नहीं करते हो तो। साइड साइड में घर है, ये बुद्धिस्ट टेम्पल आ गया, बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर आप जा सकते हैं। थोड़ा बारिश नहीं होता ना तो उसका मज़ा और भी आता, बट बारिश हो रहा है तो थोड़ा फीका लग रहा है बट जो भी हो यार अच्छा है, इसका भी एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है। तो भाई फ्लोटिंग मार्केट जो मेन वाली है वहाँ पे पहुँच गए हैं, 1:02 हो रहा है तो आधा घंटा बाद हम
तो आधे घंटे के बाद यहाँ पे पहुँच गए हैं और भाई साहब यहाँ पे गाना गा रहे हैं। फ्लोटिंग मार्केट का जो मैप है ना, इधर खाने पीने के लिए है वो सारी चीज़ें। यहाँ पे बोला गया कि आधा घंटा में आपको घूम घाम के आना है, तो एक बज रहा है तो 1:30 बजे तक हमें यहाँ पे आना है। 1:30 बजे तक यहाँ पे ये सब जो रंग बिरंगे हैं ना, यही सब मछलियों को खिला रहे हैं। थोड़ा भींग गया यार, थोड़ा पैंट भींग गया यार, क्योंकि अचानक ज़ोर से बारिश हुई ना, तो उस कारण से क्या हुआ कि पानी का फ्लू था तो पैंट भींग गया यार। पीछे से पता नहीं कैसा लग रहा होगा, पर मुझे एहसास हो रहा है कि थोड़ा सा भींग गया है। खाने पीने के लिए चीज़ें हैं, शॉपिंग वॉपिंग यहाँ पे कर सकते हैं। शॉपिंग है, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो पता नहीं महंगा है कि सस्ता है, आई डोंट नो, देखते हैं, पता करते हैं। मैंने कुछ खाने को लिया हुआ है, ये एक चिकन है जो 10 बात की है, और एक मैंगो स्टिकी राइस है जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो डेफिनेटली ये आप ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि हर जगह आपको मिल जाएंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो सबसे पहले खाते हैं, फिर जो बाद बाकी जगह है उसको एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 30 मिनट्स का टाइम है यार, ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट तो ऐसे ही पार हो गया।
भाई अगर आपको देख रहे हो ना, भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी प्रतिमा है कि क्या बताऊँ आपको, बहुत ही बड़ी प्रतिमा है पूरा। तीस चालीस फुट का तो हो गई, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी प्रतिमा है और कितना ह्यूज लग रहा है, मतलब बहुत ही वाह वाह, बहुत ही प्यारा लग रहा है सही में। इसको देख के तो सही सा लग रहा है और मुस्कुरा रहा है भाई, उनको देख के हमें भी मुस्कुराहट आ रही है। फ्लोटिंग मार्केट बोट ट्रिप का अंत की घोषणा की जा चुकी है। हम लोग बोट से उतर गए हैं, हम लोग बस दो तीन ही लोग थे, जो दो थे और एक मैं, तो ये एक तरह से प्राइवेट बोट थी क्योंकि इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था वहाँ पे कि ग्रुप के लिए, तो इसीलिए शायद इतना पैसा लगा हमें हमारा, नहीं तो अगर ये ग्रुप वाले थे तो वो बोल रहे थे कि 300 baht 400 baht में अगर आप ग्रुप में करोगे तो 300 400 baht में हो जाएगा, बट ग्रुप के लिए कोई लोग ही लोग होना तो चाहिए ना ग्रुप के लिए, तो फिर कैसे होगा। तो इसी कारण से हमें इतना लगा, 750 baht 750 baht लगा हमें। और हमारा जो फ्लोटिंग मार्केट का जो एक्सपीरियंस था, अच्छा था यार, आपको करना बनता है, अलग अलग साइड से जाओगे उसका एक्सपीरियंस ही अलग होता है। मेरा ही बैड लक है कि यार मैं भी कोई भी बोट राइड करता हूँ तो बारिश हो जाता है यार, पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरे से कि जैसे कुछ होता है बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। तो ओवरऑल भाई अच्छा था, तो भाई इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और जो नए हैं चैनल पे कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे मिलता हूँ फिर कोई एक नए से ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखें और इन्जॉय करते रहें। बाय बाय, गुड नाइट।